हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं कलास केयर चैनल और मैं हूं कलाश्री। आज मैं फिर आपके लिए कुछ खास टॉपिक लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। आजकल जब चर्चा कोरोना की चल रही है तो उसके साथ साथ विटामिन डी भी बहुत ही सबके मुंह पर उसका चर्चा हो रहा है कि अगर आपका विटामिन डी स्ट्रांग है, अगर आप में विटामिन डी फुल फॉर्मेशन हो रहा है तो कोरोना से आपको कोई डर नहीं है। तो अब बात आती है कि विटामिन डी को हम कैसे पूरा करें। तो सबसे पहले जब माइंड में विटामिन डी आता है तो सबसे पहले तो ये देखें विटामिन डी है क्या। तो विटामिन डी एक हमारी बॉडी में ऐसा हार्मोन है जो हमारी हम जो खाते हैं, जो भी विटामिन डी की जो डाइट है उसमें से हमारे स्टमक में जब वो इसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके उसको खींच कर फिर वो हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में और सब जगह पहुंचाया जाता है। लेकिन जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी बोन्स, मसल्स, आप में आलस आना, बॉडी एक होना, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों की कमज़ोर होना, ये सारी बीमारियां शुरू होती हैं। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी को अगर स्ट्रांग करना है, कोरोना से दूर रहना है, उसको अपने आप से दूर भगाना है तो आपको विटामिन डी को भरपूर मात्रा में लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सूर्य की रोशनी। जब इसको हम विटामिन डी को सनशाइन भी कह सकते हैं क्योंकि सूर्य से हमें पूरा विटामिन डी मिलता है। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई तो आप ये हम कहेंगे कि विटामिन डी कैसे ले, धूप में हमें बैठा ही नहीं जाता हमसे। तो उसके लिए आप सुबह जब सूर्य निकलता है, ये तो है नहीं कि सूर्य सिर्फ खास ही टाइम में धूप में ही वो अपना विटामिन डी आपको देता है, नहीं, वो आपको पूरे दिन विटामिन डी देता है। वो अपनी आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से, किसी की एलर्जेटिक बॉडी है, किसी की कुछ है, उस हिसाब से आप देखकर अपना टाइम चूज़ कर सकते हैं। जो एज में ज़्यादा है वो सुबह नहीं बैठ सकते, शाम को बैठ सकते हैं। तो सबसे मेन बात क्या आती है कि विटामिन डी की कमी चारों तरफ क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि एक तो हम जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने आप को ढक कर निकलते हैं, सब कुछ की सबके माइंड में ये रहता है, खास तौर से लेडीज़ के दिमाग में रहता है कि हम काली हो जाएंगी, हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए वो क्या करती है, सनस्क्रीन लोशन लगा लेती है और फिर बाहर निकलती है, और उसके बाद भी वो सब कुछ अपना ढक कर निकलती है, फेस वगैरह सब कुछ। तो आपका विटामिन डी वैसे तो वो आपको मिल रहा है स्किन में और जगह से, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है जो आपको विटामिन डी की पूर्ति कर सके। तो एक तो आप सनस्क्रीन लोशन लगाने की बजाय एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, आप गुलाब जल लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको सन की जो रेज है वो आपको विटामिन डी कुछ कुछ देती रहेंगी। लेकिन जब आपको खास तौर से विटामिन डी ज़्यादा जैसे कैसे मिल सकता आपको, उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपके स्टमक पे जैसे नेवल है जो नाभि का हिस्सा है, एक तो उसको आप खुला धूप में, ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप अपने खास अंगों पर आप धूप नहीं लेते हैं। तो उसमें आता है एक तो एक आप अपने पेट के हिस्से को उसमें धूप लीजिए, एक आपके बैक में जो है रीढ़ की हड्डी है उस पर, बैक के जो होता है पीछे का हिस्सा होता है उसमें आपके धूप आनी चाहिए, एक आपके पेट के नेवल के यहाँ पर धूप आनी चाहिए। तो अब ये होता है कि हम खुले में तो हम उसको ओपन करके बैठ नहीं सकते, खास तौर से लेडीज़ के लिए। तो आपकी खिड़की में कहीं भी जहाँ भी आपको सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पर आप 5 मिनट 10 मिनट अपने उस हिस्से को खोलकर अपनी नाभि को उसकी रोशनी में सीधा लाइए, फिर पीछे की तरफ से फिर बैक में रीढ़ की हड्डी पर भी धूप लीजिए। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि जो आपकी जो नाभि है उससे आपके पेट से स्टमक से पूरा बॉडी जुड़ी होती है। कहते हैं ना कि जिसका पेट सही होता है उसको कोई बीमारी नहीं होती। तो उसको आपके पेट को स्ट्रांग बनाने के लिए उसके नाभि में से अंदर जब विटामिन डी जाएगा, रोशनी जाएगी, तो आपका अंदर ही सारा कुछ स्ट्रांग बनेगा, सारा प्रोसेस आपकी बॉडी का, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, पीछे रीढ़ की हड्डी भी आपकी पूरी बॉडी को सारा कुछ आपकी रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ा हुआ है आपका बॉडी का फॉर्मेशन। तो उसको अगर रीढ़ की हड्डी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी बॉडी वैसे ही स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग जब भी होगी, जब आपका अंदर आपका सब कुछ सही होगा। तो इसके लिए भरपूर मात्रा में धूप की रोशनी में बैठिए और विटामिन डी को पूरा लीजिए। और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगे ये किसी को बताना चाहिए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी मेरे बनाए हुए वीडियो के
बनाने से मेरे और आपको हेल्प मिल सके। अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर वही, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार।